नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? अच्छी बात है। मैं राजेश, श्री जीके जैन हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुरम चेन्नई 13। मित्रों, आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड में भूमि और महासागर भूगोल के अंतर्गत ही लेसन आता है, तो भूमि और महासागर के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इसको और मैं विस्तार से थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है महाद्वीप। महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं? महाद्वीप कुल मिला के 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। पहला है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको यह जो है आपके एग्जाम में कैसे आएगा, ये नाम आपको क्या है जैसे दिया उल्टा पुल्टा करके दे देगा और बोलेगा इन नामों को आकार के अनुसार क्या है क्रम रूप से लिखिए, आकार के अनुसार क्रम रूप से लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एशिया महाद्वीप लिखेंगे, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप लिखेंगे, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका और फिर इसके बाद अंटार्कटिका और लास्ट में आपका लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ये जो है आपका आकार के अनुसार सही क्रम आपका ये हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में आपको पूछता है और पूछा भी है 2 बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं महासागर। महासागरों में से महासागर भी क्या है, 5 प्रकार के महासागर होते हैं, जिनमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आप ये ध्यान दीजिए, देखिए महाद्वीप एक अंटार्कटिका है और महासागर में क्या है, अंटार्कटिक है। दोनों में बहुत ही क्या है, वो छोटा सा डिफरेंट है अंटार्कटिका और अंटार्कटिक, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और लास्ट वन क्या है, आर्कटिक महासागर। इन 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर के बाद क्या है, कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद क्या आता है, हिंद महासागर और हिंद महासागर के बाद अंटार्कटिक महासागर और सबसे लास्ट में आता है आर्कटिक महासागर। तो इसके जैसा ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हालांकि एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन इसको भी आपको ऐसे क्रमिक आकार के अनुसार आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। प्रशांत महासागर आप मैप में देखेंगे कहाँ पर है, चाहे वर्ल्ड मैप ले लीजिए, वर्ल्ड मैप के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो सागर है वह कौन सा सागर आता है, अटलांटिक महासागर। आप लोग ध्यान दीजिए, अटलांटिक महासागर कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है वो कौन सा सागर होता है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर
इसको क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन। आप इंडिया मैप देख रहे हैं वर्ल्ड आउटल मैप में, उसके ठीक नीचे कौन सा सागर आता है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर के नीचे आप जब देखेंगे तो क्या रहेगा, अंटार्कटिक महासागर। यह अंटार्कटिक महासागर जो है यह बर्फ से पूरा क्या होता है, ढका होता है, सबसे बड़ा बर्फीला महासागर यही है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, यह बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है। और अंटार्कटिक महासागर के देखिए वर्ल्ड आउटलुक मैप आप देख रहे हैं ना, यूरोप आप देख रहे हैं, यूरोप के ऊपर सबसे ऊपर जो आता है वो है आर्कटिक महासागर। समझ में आ गई, तो महाद्वीप और महासागर इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, भूमि का स्वरूप। भूमि का स्वरूप, भूमि के स्वरूप को समझने के लिए हमने तीन भागों में इसको डिवाइड किया है, प्रथम स्वरूप, द्वितीय स्वरूप और तृतीय स्वरूप। कौन कौन सा, प्रथम स्वरूप, द्वितीय स्वरूप और तृतीय स्वरूप। प्रथम समूह में दो आते हैं, पहला आता है महाद्वीप महासागर। कौन सा आता है, महाद्वीप महासागर। द्वितीय स्वरूप में आता है पर्वत पठार मैदान। द्वितीय में कौन सा आता है, पर्वत पठार मैदान। तृतीय स्वरूप में क्या क्या आता है, घाटी है, समुद्र तट है और रेगिस्तान। तृतीय स्वरूप में कौन सा आता है, घाटी, समुद्र तट और रेगिस्तान, ठीक है। ये भूमि के स्वरूप है पूरे विश्व में जो स्वरूप है, ये देखो यही सब चीजें क्या पूरे विश्व में दिखाई देते हैं। जो महाद्वीप है टोटली वेस्ट होता है, जहाँ जो पर्वत है पठार है वहां क्या कुछ फसल है या पेड़ पौधे क्या हम उगा नहीं सकते, टोटली क्या बेकार माना जाता है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आपको आ गया। अब हम आते हैं इसमें, अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे भिन्न ऑप्शन को क्या है आपको सर्कल करना है। चार ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, जो सबसे भिन्न ऑप्शन है उसको आपको ऑड इन वन आपको सर्कल करना है। तो कैसे आप समझेंगे, देखिए अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। अफ्रीका भी क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यूरोप भी क्या है, महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, लेकिन श्रीलंका क्या है, एक देश है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों से श्रीलंका क्या है, ये सबसे डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसे सर्कल कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, पठार, घाटी, मैदान, पर्वत। क्वेश्चन क्या है, पठार, घाटी, मैदान, पर्वत। चार नाम सिमिलर नाम आपको देगा, आपको क्या है बहुत चतुराई के साथ सर्कल करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो पठार है, घाटी, मैदान, पर्वत। देखिए पठार एक होता है, मैदान भी एक जैसा है और पर्वत भी एक जैसा है, लेकिन घाटी क्या है, ये तीनों से अलग आपको मालूम पड़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये घाटी जो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप जब बुक पढ़ेंगे ना, पढ़ के समझेंगे तो ये सब आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे देखिए नेक्स्ट वन आइए, वो थोड़ा टफ है, एंडीज पर्वत, राकी पर्वत, एवरेस्ट पर्वत और क्या है ये, हिमालय है। चार दिया है, अब लग रहा है चारों आपको माउंटेन है, चारों पर्वत है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंडीज पर्वत है, राकी पर्वत और हिमालय भी क्या है, पर्वत है, लेकिन एवरेस्ट जो है वह क्या है, चोटी है। एवरेस्ट जो है वो चोटी का एक चोटी, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, एवरेस्ट है। तो इन चारों में डिफरेंट क्या हुआ, एवरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, एवरेस्ट को ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है ना। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, चलिए बताइए विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार, पूरे विश्व में तिब्बत का पठार जो है वह सबसे बड़ा पठार है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा है, अरब सागर में कौन सा द्वीप दिखाई देता है। आप इंडियन भारत का मानचित्र देख रहे हैं, इंडिया मैप, इंडिया मैप के नीचे लेफ्ट साइड में क्या होता है, अरब सागर
और राइट साइड में क्या होता है, वे बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या होता है, हिंद महासागर। तो क्वेश्चन क्या है, अरब महासागर में कौन सा द्वीप दिखाई देता है? अरब महासागर उसमें क्या दिखाई देता है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो दिखाई देते हैं। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पठार खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है? कौन सा पठार खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर पठार को खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है। यह पठार कहाँ पर स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ राज्यों के क्षेत्रों को लेकर के वहां पे ये पठार है जो खनिज संपदा के भरपूर भंडार माना जाता है। अगला है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं और प्रायः द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वह भूभाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो। द्वीप किसे कहते हैं? वह भूभाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीप वह भूभाग जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये क्या, ये सब क्या है? एक द्वीप है। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रायः द्वीप वह भूभाग जो पानी से तीन साइड से घिरा होता है, जो पानी से तीन साइड से घिरा होता है वह क्या होता है? प्रायः द्वीप कहते हैं। जैसे भारत, भारत तुम देख रहे हो, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो ये क्या है, तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो भारत क्या हुआ, एक प्रायः द्वीप हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के पास कौन से महाद्वीप हैं? अटलांटिक महासागर के पास कौन से महाद्वीप हैं? महाद्वीप मतलब ये, अब जैसे मैंने बताया अटलांटिक महासागर कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बीच में अटलांटिक महासागर है, उसके पूर्व में क्या है, अफ्रीका है और यूरोप है। तो अफ्रीका, यूरोप के और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच में जो महासागर है वह कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये सारे चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।